तो इस वजह से ओवरफ्लो कर रही थी स्कूटी। ये देखो, जैसे ही छोड़ूंगा पाइप को पेट्रोल निकलने लगेगा जो नहीं निकलना चाहिए। ये देखो, तो चलो सही करते हैं इसे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास होंडा की एक्टिवा स्कूटी और इसमें प्रॉब्लम है ओवरफ्लो की। यहाँ पे कार्बोरेटर में मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इतना ज़्यादा पेट्रोल निकल रहा है। ये देखो साइड स्टैंड पे लगाते हैं, पेट्रोल निकलने लगता है। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि जो इसकी पेट्रोल टी है डायरेक्ट हो गई है। ये देखो, ये पाइप को निकाला, इस तरीके से छोड़ा, पेट्रोल निकलने लगा। ये देखो, ये छोड़ूंगा पेट्रोल निकलने लगे। तो इस तरीके से पेट्रोल नहीं निकलना चाहिए। जब हमारी बाइक स्टार्ट होगी जब ही इसमें पेट्रोल आना चाहिए। तो ये स्कूटी स्टार्ट करे बिना ही पेट्रोल आ रहा है इसमें, जो नहीं आना चाहिए। और ये वाला जो एयर का पाइप है, ये वाला पाइप जब हमारी बाइक स्टार्ट होती है, ये एयर पाइप खींचता है, हवा खींचता है अपनी तरफ जब पेट्रोल आना स्टार्ट होता है इस पाइप में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी इसे मैं अलग कर लेता हूँ निकाल के, इसमें से पेट्रोल डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने इसे कर लिया। अब जो इसके टैंक है, टैंक को खोलना पड़ेगा। तो टैंक के सारे बोल्ट मैंने खोल लिए हैं। अब इसकी जो टैंक है पूरी कंप्लीट बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो कमी है पेट्रोल टी की है। तो चलो इसे मैं लेके चलता हूँ, पेट्रोल टी इसकी चेंज करता हूँ। पेट्रोल टी से ऐसी प्रॉब्लम होती है जब डायरेक्ट इस किसी भी स्कूटी में जो कार्बोरेटर वाली है, डायरेक्ट पेट्रोल नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट पेट्रोल आएगा स्कूटी ओवरफ्लो होगी, पूरा पेट्रोल गिर जाएगा। तो इसके दोनों पाइप निकाल लेते हैं, ये इस तरीके से इसका दोनों पाइप खींचते हैं, निकल जाएगा। ये निकल गया। अब इसकी जो टी लगी हुई है टैंक में, इसे खोलते हैं। ये टी को खोलते हैं 22 नंबर के पाने से। इसे इस तरीके से खोल के इसे निकालते हैं और अलग करते हैं। ये इस तरीके से लगी थी, बहुत ध्यान से करके लगाना पड़ेगा। इसे निकालते हैं और ये टी प्रॉब्लम कर रही है, यही टी जो है ख़राब हो चुकी है। इस टी को मैं चेंज कर दूंगा, जो डायरेक्ट पेट्रोल आने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओवरफ्लो जो हो रही है इसी कारण हो रही है ओवरफ्लो। तो ये नई मैं पेट्रोल टी लेके आया हूँ, फ्यूल कोक। इसकी प्राइस दिखा देता हूँ मैं, एक्टिवा और एविएटर डीओ ऑल मॉडल्स यहाँ पर प्राइस है। तो इसे मैं निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है पेट्रोल टी, जो काफ़ी बढ़िया है और बहुत अच्छी कंपनी की भी लग रही है, काफ़ी बढ़िया है, ओरिजिनल टाइप में लग रही मुझे ये। तो ये है बाकी इसके पाइप वगैरह और जो रिंग है, रिंग और पाइप। और ये पेट्रोल टी, ये पेट्रोल टी क्या होता है, ख़राब हो जाती है तो डायरेक्ट पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। बाकी इसमें ऑन ऑफ का सिस्टम है नहीं। यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, ओरिंग लगी हुई है। तो पुरानी वाले जो पाइप और ओरिंग है उसे मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि उसे निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट फिटिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है, तो चलो इसे डायरेक्ट फिटिंग कर देता हूँ। क्योंकि वो पाइप अगर मैं चेंज करूँगा तो उसे निकालने में काफ़ी समय भी लग जाएगा, क्योंकि वो जो पाइप है बिल्कुल सही है, वो पाइप में कमी नहीं है। जो प्लास्टिक का पाइप और जाली अंदर लगी होती है फिल्टर वाला, ओरिंग भी उसमें लगी हुई थी, तो मैंने सारा कुछ जो है पुराना वाला लगा दिया है। वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कोई भी दिक्कत करने वाला नहीं है। अब मैं इसे टाइट कर लेते हैं। इसको सेटिंग जो है इस तरीके से रखना है, यहाँ पर बिल्कुल इसके सीधा, ये इस तरीके से सेटिंग को रखना है। तो ये मेरी पेट्रोल जो है कोक चेंज हो गई है। और अब इसके जो पाइप है, पाइप ये जो एयर का पाइप है पतला होगा तो ये नीचे लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ उल्टा मत कर देना, बाद में मुझे कमेंट्स मत करना कि भाई गलत बताया। तो पतला वाला पाइप एयर का वो अलग है, जो पेट्रोल पाइप है वो मोटा है। तो इसमें दो लॉक लगाना पड़ेंगे, ये पेट्रोल लॉक। तो चलो पेट्रोल लॉक लेते हैं। ये दो पेट्रोल लॉक पाइप के ले लिया है, इसे लगा लेना। इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसे आप खींचोगे या चलने के टाइम पे थोड़ा सा पाइप खींच गए तो पेट्रोल पाइप निकल जाएगा, पाइप निकल जाएगा तो पूरा पेट्रोल वैसे ही गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में ये वाले लॉक लगा लेते हैं। नहीं है पाइप में तो लेकर आओ फिर लगाओ, लेकिन लगाओ, लगाना ज़रूरी है। अब इसे यहाँ पे लगाएंगे। ये पेट्रोल ऊपर वाला जो है वो पेट्रोल की सप्लाई करता है, नीचे वाला वो खींचता है एयर को। तो अब ये सारा कुछ लग गया है, इसे अब बाइक में स्कूटी में करते हैं फिटिंग। ये देखो दोनों पाइप को बहुत ध्यान से लगाना है, और दोनों तरफ लॉक है, इसमें भी लॉक है और नए भी हमने लगा दिया दोनों में। अब मैं इसे कर लेता हूँ स्कूटी में कंप्लीट फिटिंग, टैंक को
चलो टैंक को फिटिंग करते हैं और फिर दिखाते हैं, बाइक को स्टार्ट वगैरह करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। टैंक फिटिंग हो चुकी है, सारा कुछ लग गया है, लॉक वगैरह। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज दिखाता हूँ, ये दो पाइप है, एक पाइप तो मैंने ये एयर का पाइप है तो, और ये जो है पेट्रोल का पाइप है, मोटा है पेट्रोल का पाइप है, इसका होल बड़ा है और इसका होल जो है छोटा रहता है एयर वाले का। तो इसे यहाँ पे लगा देते हैं, पहले एयर वाली जगह पे, इस जगह पे लगेगा ये, ये लग गया, ये देखो ये लग गया। और इसे यहाँ से कायजे से लगा देना इस जगह से भी, क्योंकि यहाँ पे भी आराम से सारा कुछ बिठा लेना ये। अब दूसरे वाले पाइप को भी बिठा लेते हैं जो पेट्रोल पाइप है, इसके ऊपर लगेगा एयर के ऊपर, तो ये भी यहाँ से इसके ऊपर लग जाएगा और यहाँ पे ये बैठ जाएगा, ये लग गया। अब चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी पेट्रोल इसमें नहीं आ रहा, पहले मैंने जैसे ही निकाला था वैसे ही पेट्रोल आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं जैसे ही स्कूटर को स्टार्ट करूँगा पेट्रोल गिरने लगेगा, देखना जैसे ही स्टार्ट होगी पेट्रोल चालू हो जाएगा, ये देखो पेट्रोल चालू हो गया ये। तो इस तरीके से चेक करना है, अगर डायरेक्ट पेट्रोल आ रहा है तो पेट्रोल टी खराब है, बाइक स्टार्ट जैसे ही स्टार्ट होगी पेट्रोल जब ही आएगा स्कूटी, तभी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इसे हम लगा देते हैं, बाकी सारा कुछ कर देते हैं फिटिंग ये। तो सारा कुछ तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें से अगर डायरेक्ट पेट्रोल आ रहा है तो पेट्रोल टी खराब है, जब तक स्कूटी इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होता, इंजन स्टार्ट होता है उसके बाद पेट्रोल आता है। बाकी चलो ये जो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, सारा कुछ कर देते हैं फिटिंग और ये वीडियो को करते हैं एंड, पेट्रोल टी चेंज हो गई। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।